हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मजेदार टेक। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ एप्लीकेशन वगैरह के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी को पता ही है, कोरोना वायरस के वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है सारे देशों में और हमें घर पर रहना पड़ रहा है। इसके दौरान मैं यहाँ पर भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर एक एप्लीकेशन लागू किया है जो कि आप सभी को पता होगा, आरोग्य सेतु। इस एप्लीकेशन को तो सभी लोग यूज़ करते होंगे। इसे यूज़ करने का यहाँ पर ऑर्डर सरकार ने भी दे दिया है कि आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं सेफ बचे रहने के लिए। ये एप्लीकेशन क्या करता है आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो इस वीडियो में बता दूंगा, वो भी बता दूंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है इस एप्लीकेशन के बारे में, तो उसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। तो इसे कैसे यूज करते और किस काम के लिए यूज करते इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है और इसमें कुछ अपडेट्स आए हैं। यहाँ पे इस एप्लीकेशन में कुछ अपडेट्स आए हैं, उसी अपडेट के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। और इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो यही सब वीडियो को इसके लिए मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वह लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है उसके लिए, आप लोगों को कौन सी अपडेट आई है उसके बारे में जानना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर देना है और यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन करके दबा देना है, ताकि जब मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले मेरी वीडियो देख सको। और इस वीडियो को एक लाइक कर देना है, आपको आपका अपना प्यार दे देना है और नीचे कमेंट बॉक्स में ना एक छोटा सा कमेंट कर देना, नाइस ट्रिक, नाइस सीक्रेट एप्लीकेशन, जो भी आपको कमेंट करना है यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ नाइस, यहाँ पे देख सकते हो नाइस ट्रिक, कमेंट कर देना है। करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंड कर देना। तो फिर जैसे आप उस एप्लीकेशन को ओपन करते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा डाउनलोड करने के बाद, अगर आप इस एप्लीकेशन को पहले यूज़ करते हैं तो अपडेट के बारे में आपको पता ही होगा, ई पास का अपडेट आ चुका है यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसका आप लोगों को वेट था कि 20 तारीख को इसका अपडेट आने वाला है और अब 20 तारीख हो चुका है और इसका अपडेट आ चुका है। तो ई पास है क्या, इसका इस्तेमाल क्या हो सकता है, ये चीज़ें सारी मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ई पास क्या है, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी पूरी की पूरी यहाँ पे आपको डिटेल्स देखने को मिल जाती है। आप इसे कौन सी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, यहाँ से लैंग्वेज कौन सी भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो जो आपकी लैंग्वेज है। अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आती तो आप इंग्लिश भी कर सकते हो, और इंग्लिश नहीं समझ में आती जो लैंग्वेज आपको समझ में आती है वो यहाँ से आप कर सकते हो। तो मैं एग्जाम्पल के लिए हिंदी करता हूँ, हिंदी कर लेता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो। हिंदी करने के बाद तो ई पास के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हो सारी की सारी कौन सी, हम यहाँ पे आप देख सकते हो देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि कौन सी जानकारी हमारे ई पास में है यहाँ पे आप देख सकते हो, और उसके बाद क्या यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि यहाँ पे ई पास से रिलेटेड। मैं बता दूँ तो ई पास किन लोगों के लिए है, ई पास बनाने के बाद जैसे कि कोई गवर्नमेंट में जॉब करते हो आप या कहीं बैंक वगैरह में जॉब करते हो, तो इसके लिए ये हर व्यक्ति के लिए नहीं है। हर यहाँ पे आप सोचोगे कि मैं भी बनवा लूँगा और मैं भी कहीं पर घूम सकता हूँ, तो ऐसे लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ कर्मचारियों लोग के लिए है। जैसे कि आप रेलवे में काम करते हो या कहीं बैंक वगैरह में काम करते हो तो आप इसे बना सकते हो, और इसे आप बनाने के बाद कहीं पे भी नहीं जा सकते हो, आपकी जो सिटी रहेगी आप वहीं पे यूज कर सकते हो इसे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कौन सी जानकारी हमारे ई पास में है, तो यहाँ पे आप जैसे इसे ओपन करोगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपके ई पास में आपकी कंपनी सप्लाई, मतलब आप जिस कंपनी में काम करते हो उसकी सप्लाईज और यहाँ पे स्थान प्रकृति के बारे में सभी बुनियादी जानकारी होती है। मतलब उस ई पास को आप सिर्फ अपने जिस कंपनी में काम करते हो वहीं पे जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और वो कहीं पे भी नहीं। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या हमारा ई पास आवश्यक आपूर्ति शुल्क के अलावा क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब अपने अपना जो काम रहता है उसके अलावा कहीं यूज़ कर किया जा सकता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या मिलता है हमें एप्लीकेशन द्वारा मिलता है कि इसका उपयोग नहीं, इसका उपयोग केवल आवश्यक कामों के लिए कर सकते हैं, और इससे अगर तुम दूसरे काम के लिए अगर इसे इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको सजा सुनाई जाएगी। यानी कि अगर आप इसे गलत इस्तेमाल करते हो जिस काम के लिए दिया गया उसके बाद दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करोगे तो आपको सजा भी सुनाई जा सकती है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो मतलब क्वेश्चंस मिले हैं उसके आंसर एप्लीकेशन में, मतलब एप्लीकेशन ने आंसर भी दिया है, जो क्वेश्चंस है उसके आंसर भी दे चुके हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि ई पास जो यहाँ पे आपका ई
ई पास का जो ऑप्शन है, जो अपडेट आया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिए, उसके आंसर भी दिए हैं, जो कि आपके मन में क्वेश्चंस आ सकते हैं वैसे क्वेश्चंस ऑलरेडी एप्लीकेशन ने बनाया है और उसका आंसर भी दे दिया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और इसकी जानकारी आपको मिल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो, और यही तो मैं बताने वाला था कि ई पास आप हर कोई व्यक्ति नहीं बना सकता, मेरे जैसे नॉर्मल, आपके जैसे नॉर्मल लोग नहीं बना सकते, जैसे कि नर्स वगैरह, डॉक्टर वगैरह हो गए, और यार छोड़ो ये लोग, मतलब ये लोग का तो होता ही है, बट जो कर्मचारी लोग होते हैं जो बाहर जॉब करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह में या बैंक वगैरह में कर्मचारी होते हैं, उन लोग का बन सकता है, बट हमारे जैसे नॉर्मल लोग का नहीं बन पाएगा ये। यही मैं इस एप्लीकेशन से इस वीडियो में बताने वाला था, तो आप लोगों को शायद पता चल गया होगा कि ई पास क्या है, और अगर नहीं पता चला तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं दूसरी वीडियो भी इसके ऊपर बना दूंगा। तो कैसी लगी आप लोगों को ये जानकारी, जानकारी अच्छी लगी हो ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और एक लाइक कर देना, और इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि सभी लोगों को पता चले ई पास के बारे में, और इसे हमें इस एप्लीकेशन के बारे में पता चले सभी लोगों को।